हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप लोगों का काफ़ी कमेंट थे कई क्वेश्चन आंसर को लेकर के, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी चीज़ें दी गई हैं तो कन्फ्यूजन था, उसको लेकर के हमने यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं बनाई हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह जाती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले बता दूं एग्जाम आपका 4 फरवरी को है, जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। ठीक है, वैकेंसी टोटल क्या है, 62 है, वो आपको पहले से पता होगी। ठीक है, आइडिया हो जाएगी 62। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। ये PDF आपका टेलीग्राम पर मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल बताते हैं आपको, लेवल 1 का पेपर सुबह के टाइम पे है और लेवल 2 का पेपर आपका दोपहर के बाद के टाइम पे है। बीच के टाइम पे आपको खाना खाने के लिए अलग से व्यवस्था रखनी होगी, टिफिन में एग्जाम सेंटर में आपको खाने के लिए मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको अपना बैग ले जाना है, आप बैग लॉक रहेगा एग्जाम देने के बाद, फिर आपको दोबारा बैग मिलता है, कुछ ऐसा रहता है सिस्टम। ठीक है, कुल मिला के पेपर आपका एक ही दिन होगा, लेवल 1 का सुबह का टाइम और लेवल 2 का शाम का टाइम। ठीक है, तो पूरा दिन आपका पेपर में जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है, लेवल 1 का जो पेपर है वो OMR बेस है, कंप्यूटर बेस नहीं पेपर है। आपको गोला लगाना है आपको, इसलिए पेन अच्छा रखना है, ब्लैक कलर का मोटा पेन। ठीक है, ताकि जल्दी टाइम बच सके। ठीक है, लेवल 2 पेपर के लिए आपको क्या है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है, उसके लिए आपको अच्छा पेन लेना है ताकि अच्छे टाइम से पूरा लिख सके पेपर को 3 घंटे। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस अच्छे रखिए। पेपर जो है कई शहरों में है, कम से कम 10 शहरों में, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, ये सभी, और यहाँ पर भी है। ठीक है, कुल मिला के 10 शहर में आपके पेपर होंगे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे लेवल 1 का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेवल 2 का पेपर लिखित है। ठीक, अब क्या है, जो लेवल 1 है वो आपका सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। लेवल 2 से आपकी नौकरी लगेगी, जितना आप अच्छा नंबर पाएंगे उतना आपकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चयन केवल किस पे है, लेवल 2 के बेसिस पे है। ठीक है, ये आप समझ गए, जितना अच्छा नंबर होगा उसके आधार पर आपको मेरिट बनेगी, उतना आपका सिलेक्शन का चांस रहेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे लेवल 1 और लेवल 2 जो परीक्षा है एक ही दिन आयोजित की जाएगी। हालांकि केवल दो के पेपर के लिए ही लेवल 1 से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उन्हीं का मूल्यांकन होगा। जो लेवल 1 से शॉर्टलिस्ट होगा सिर्फ उन्हीं का पेपर 2 में क्या होगा, कॉपी चेक होगी। ठीक है, अधिक से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होने में केवल लेवल 1 के बाद 20 गुना उम्मीदवारों को लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब जितनी वैकेंसी है 60-62 वैकेंसी, उसका 20 गुना ही लेवल 2 के लिए सिर्फ आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लीजिए 10,000 बच्चों ने पेपर दिया, ठीक है, और 2,000 बच्चे 40% से कम नंबर पाए जनरल कैटेगरी के लिए। कौन सी कैटेगरी के लिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये पहले ही बाहर हो गए। अब कितने बच्चे बचे, 8,000 बच्चे बचे जो लेवल 1 में एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन लेवल 2 में जाने के लिए सिर्फ 20 गुना बच्चे लोगों को लेगा, 62 वैकेंसी है, 20 गुना करेंगे तो कितना होगा, 1240 होगा। 1240 ही बच्चों का सिर्फ क्या होगा, पेपर 2 आपका इवेल्युएशन पे होगा, आपका जो है कि पेपर लिखित में जो है अच्छे नंबर के लिए आपका चयन होगा, कि अब लेवल 2 आपका कॉपी चेक की जाएगी। लेवल 1 क्वालिफाई होने पे 20 गुना के अंदर में आने के बाद ही आपका पेपर 2 कॉपी चेक होगी। ठीक है, अब आप भले ही लेवल 1 क्वालिफाई थे, लेकिन कितने लोग शॉर्टलिस्ट नहीं हुए, 8,000 बच्चे योग्य थे, 40% के ऊपर थे, लेकिन सिर्फ 1240 बच्चे क्या लेवल 2 के लिए कॉपी चेक हो रही है, तो कितने लोगों का मूल्यांकन नहीं होगा, 6,760 बच्चों का। ये मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए क्या है, आपको लेवल 2 पेपर के लिए आने के लिए आपको 1240 बच्चों आने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी चाहिए और अच्छा आपको नंबर लाना चाहिए। फिलहाल 115 नंबर मान लीजिए आप जनरल और SC के लिए, क्योंकि SC में काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते हैं और फॉर्म को जो साथ पैसा नहीं लगता है, इसलिए जो है कि काफ़ी बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो कुल मिलाकर के आपको जनरल और SC के लिए कम से कम आपको 115 रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी और कैटेगरी 100+ रहेगी तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ये हमारा अनुमान है, कोई वैसा नहीं है। ठीक, चलिए आगे बताते हैं आपको और पॉइंट्स। पेपर पैटर्न आप देखे होंगे, इसमें क्या है, 5 सेक्शन है। ठीक है, जैसे इंग्लिश आपकी 50 नंबर की आएगी। ठीक है, विज्ञान जो है आपका जनरल साइंस 60 नंबर रहेगा, जो कॉमर्स रहेंगे उनके लिए अपना ऑप्शन करेंगे उनका 60 नंबर रहेगा। ठीक है, अब क्या है, आपका मैथमेटिक्स 50 नंबर का है, GK 20 नंबर का है, कंप्यूटर 20 नंबर का है। ठीक, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, बहुत कम टाइम मिल पाता है, क्योंकि 120 मिनट में मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं एवरेज में वो 135 से ज़्यादा नहीं कर पाते, टाइम आउट हो जाता है, इसलिए आपको अपनी स्पीड एक्यूरेसी बहुत अच्छे से बनाए रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। लेवल 1 का पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, अब क्या है, सारा पार्ट आपका इंग्लिश हिंदी में होगा। लेवल 1 का पेपर क्या होगा, इंग्लिश हिंदी में पूरा दिया रहेगा, लेकिन जो पार्ट सेक्शन है जो इंग्लिश ग्रामर है वो सिर्फ इंग्लिश में रहेगी। ठीक है, तो बेसिक की बात है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी,
वो है 0.25 है, 1.4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ओके, लेवल वन के उद्देश्य के मानक क्या है? लेवल वन में मिनिमम क्वालिफाइंग कितना है? 40% है, लेकिन आप और अदर कैटेगरी के जनरल जनरल कैटेगरी के लिए 40, ईडब्ल्यू एस के लिए अदर के लिए 33 है, लेकिन आपको अधिक अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए सोचना है, ठीक है, क्योंकि 20 वैकेंसी टाइम्स में आना है, ठीक है, वैकेंसी का 20 गुना के अंदर में लेवल वन में आना है। ठीक, लेवल टू क्या है? अब लेवल टू से चूंकि सिलेक्शन होता है, इसको बड़े ध्यान से देखना है आपको। पार्ट ए में 50 नंबर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा आपके, प्रिसाइज राइटिंग रहेगा, कंप्रिहेंसिव टाइप रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए आपको मूल पॉइंट ध्यान रखना है कि अच्छे नंबर लिखने के लिए लाने हैं। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें का तो एमसीक्यू बेस होती है, सिर्फ आपको क्या रहता है ए बी सी डी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आंसर लिखना रहता है, ठीक है। और जो पार्ट बी रहेगा, इसमें आप एसे है, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, जिसका हमने कई वीडियो बना रखा है, उसे आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब क्या है कि इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है कि एसे कुछ लैंग्वेज में लिख दो, नोटिंग कुछ लैंग्वेज, ऐसा नहीं। आपको तीनों चीज़ें इंग्लिश में लिखनी है या तीनों चीज़ें हिंदी में लिखनी है, ठीक है, टोटली 100 नंबर। अब क्या है, लेवल टू में कम से कम आपको 50% मिनिमम लाना है जनरल कैटेगरी और जेबल्यू के लिए, 40% कम से कम रहना चाहिए आपका अदर कैटेगरी के लिए। फिलहाल मेरिट के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा नंबर आना चाहिए, कम से कम 65 से 75 से ज़्यादा ही होना चाहिए आपका, ज़्यादा अंक रहेगा तो आपके नौकरी के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। परीक्षा के परिणाम कब आ सकते हैं? देखिए 40 से 50 दिन, मतलब फरवरी के बाद आपका अप्रैल लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। डीवी आपकी मई में हो जाएगी, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ज्वाइनिंग आपका जो है कि जून में संभावना है कि हो जाएगी, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। बाकी और चीज़ें आती हैं, चुनावी कोई अच्छी गाइडलाइन आती है तो बात की बात है। तो उम्मीद यही है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेटर एग्जाम, उस समय के लिए आपको अच्छे से पास होइए। और अगर कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, उससे आप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करके प्रीवियस पेपर गाइडेंस और स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा। और हमारा जो अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन ऐप है, ये आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईफोन, एंड्रॉयड फ़ोन सब पे अवेलेबल है आपका, क्रोम पे भी आप सर्च कर सकते हैं, हर जगह पे आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं, तो जुड़ना ना भूलें हमसे, और ये वीडियो काफ़ी लोगों को आप शेयर करें, ठीक है। हमने यहाँ पे पूरा लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, एंड्रॉयड आईफोन और डेस्कटॉप पे कैसे कैसे ब्राउज करते हैं। टेलीग्राम पे एक स्पेशल जो इसका मैंने चैनल बना रखा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को जुड़ना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा। उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन जो डाउट थे, कई बार आपके कमेंट सेक्शन में पूछे जाते थे, वो दूर हो गए होंगे। फिर भी कोई चीज है तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और जिंदगी के लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।